लीना जीजी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के चीले। रोज हम परेशान रहते हैं कि सुबह उठकर हम नाश्ते में क्या बनाएंगे। सूजी के चीले नाश्ते के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और काफी कम समय में ये बन जाते हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे पैक करके हम दे सकते हैं और बच्चे खुशी खुशी इसे खाएंगे और बच्चों का खाली टिफिन बॉक्स देखकर आपको बहुत खुशी होगी। तो चलिए हम बनाएं सूजी के चीले। सूजी दो तरह की होती है, एक बारीक सूजी होती है और एक थोड़ी सी दरदरी होती है। बारीक सूजी को रवा भी कहते हैं। तो चीले बनाने के लिए हमें वो बारीक सूजी ही लेनी है। जो दरदरी सूजी है वो इस तरह की होती है और बारीक सूजी खसखस के दानों से भी बारीक होती है। तो हमें ये वाली सूजी ही चीले बनाने के लिए लेना है। अगर आपके पास ये सूजी नहीं है तो फिर आप मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। चीले बनाने के लिए एक कटोरी बारीक सूजी, जिसको हम 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। भिगोने के लिए हम जो दूध काम में ले रहे हैं, ये दूध सुबह गर्म करने के बाद हम पूरा दिन यूज करते हैं। इससे मलाई हटाकर हम चाय बनाते हैं, पीने के काम में भी लेते हैं और शाम तक जो दूध बचता है मलाई के साथ, वो दूध हमने लिया है। इसकी मलाई हमने निकाली नहीं है, तो काफ़ी मलाई के साथ ये गाढ़ा दूध है। ये 2 कप दूध है, इसको हम सूजी भिगोने में डालेंगे। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम इसको यूज़ करेंगे। दूध हमें इतना डालना है कि सूजी का पतला बैटर बन जाए। चीले के लिए फैलाने के लिए जितना पतला घोल हमें चाहिए हम उतना ही दूध डालेंगे इसमें। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, 1/2 टीस्पून बारीक कटी हरी मिर्च, ये 1 हरी मिर्च है। अगर आप चीले बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें हरी मिर्च नहीं डालें। 1/2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च भी अवॉइड कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इस घोल को हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट में सूजी अच्छी तरह से भीग जाएगी और उसके बाद हम इसके चीले बनाएंगे। सूजी थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो जो हमारे पास दूध बचा हुआ है हम उसमें से थोड़ा दूध और डाल देंगे। अब सूजी का घोल चीले बनाने लायक है, ये तवे पर आसानी से फैल जाएगा। अब हम इसके चीले बनाएंगे। तवा गरम हो गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा घी फैला देंगे और इस घोल से हम थोड़ा थोड़ा घोल डालकर छोटे छोटे चीले बना लेंगे। ऊपर से चीले का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसको पलट सकते हैं। चीले आसानी से पलट जाते हैं, ये तवे पर चिपकते नहीं हैं। तवा अगर नॉन स्टिक है तो बिल्कुल ही नहीं चिपकते हैं और दूसरे तवे पर भी ये चिपकते नहीं हैं और फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। चीला बन गया है, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे और अब दूसरा चीला डालेंगे। मलाई वाले दूध में भिगोया है सूजी को, इसलिए हमें बार बार घी या बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके ऊपर सूजी का घोल डाल देंगे और इसको फैला देंगे। आपने सूजी को दही में भिगोकर चीले बनाए होंगे लेकिन दूध में भिगोकर नहीं बनाए होंगे। इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है और मलाई की वजह से इसमें बटरी टेस्ट आता है, वो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं।
लीजिए सूजी के चीले तैयार हैं। इसे हम दही के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे हरी चटनी, टोमेटो सॉस या किसी और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बिना चटनी के भी ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं।